कोरोना की मार, दुकानदारों को 15.5 लाख करोड़ का नुकसान। देश के घरेलू व्यापार की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करते हुए कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भारतिया और राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि देश में घरेलू व्यापार अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहा है और रिटेल व्यापार पर चारों तरफ से बुरी मार पड़ रही है और यदि तुरंत स्थिति को ठीक करने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए गए तो देश भर में लगभग 20% दुकानों को बंद करने पर मजबूर होना पड़ेगा, जिसके कारण बड़ी संख्या में बेरोजगारी भी बढ़ सकती है। अनुमान के मुताबिक देश के घरेलू व्यापार को अप्रैल में लगभग 5 लाख करोड़, मई में लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए, जून महीने में लॉकडाउन हटने के बाद लगभग 4 लाख करोड़ तथा जुलाई के 15 दिनों में लगभग 2.5 लाख करोड़ का व्यापार का घाटा हुआ है। 94% घटा सोने का आयात। देश में सोने का आयात चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 94% घटकर 68.8 करोड़ डॉलर यानी 5,160 करोड़ रुपए पर आ गया है। ये जानकारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के आंकड़ों से मिली है। सोना आयात देश के चालू खाते के घाटे को प्रभावित करता है। कोविड-19 महामारी की वजह से सोने की मांग में गिरावट आई है, जिससे सोने का आयात भी नीचे आ गया है। वहीं इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में आयात 11.5 अरब डॉलर यानी 86,250 करोड़ रुपए रहा था। 471 करोड़ रुपए का सिग्नलिंग का ठेका हुआ कैंसिल। शुक्रवार को रेलवे के सार्वजनिक उपक्रमों ने खराब प्रगति के कारण चीनी फर्म के सिग्नलिंग और दूरसंचार से संबंधित 471 करोड़ रुपए के अनुबंध को रद्द कर दिया है। इससे पहले गुरुवार को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट से दो चीनी कंपनियों की बोली रद्द कर दी थी। ये ठेका करीब 800 करोड़ रुपए का था। जानकारी के मुताबिक इन कंपनियों को वहां के अधिकारियों ने लेटर ऑफ अवार्ड देने से इनकार कर दिया था। अब ये ठेका दूसरे सबसे कम रेट पर बिड करने वाली फर्म को दिया जाएगा। ये ठेका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दो खंड के लिए था। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।